नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। जमुई में चकाई थाना क्षेत्र कालीबाग गांव में नदी किनारे पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अक्षय कुमार के रूप में हुई है। दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ डंगाल मोहल्ले में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बोकारो में पिंडरा रजौरा थाना क्षेत्र के चाकलिया गांव में बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुंगेर पुलिस ने 6 घंटे के अंदर हत्या करने वाले बहनोई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल और देसी कच्चा को भी बरामद कर लिया है। मोतिहारी में बजरिया के मुखिया छबीला सिंह पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में भी ठनका गिरने से किसान की मौत हो गई। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के मधुरपार दियारा की है। औरंगाबाद में बिजली गिरने से 2 अलग अलग जगहों पर 2 किसानों की मौत हो गई। सासाराम में बरपा प्रकृति का कहर। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं झुलस गई। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। घटना ओपी क्षेत्र के बैंक टोला की है। औरंगाबाद में दहेज के लिए एक विवाहिता की जलाकर हत्या कर दी गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के गोडियाहा गांव की है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जलाकर मार दिया गया। बोकारो के पिंडर गाड़िया में कचरा फेंकने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी जंग देखा गया, जहां एक पक्ष को लोगों ने तलवार से हमला कर दूसरे पक्ष को जख्मी कर दिया। मधेपुरा के भराही ओपी के अंतर्गत भदौल में सड़क निर्माण के विवाद में एक अधीर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या की। कैमूर जिले के स्टेशन रोड मुहानिया में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर चाय की दुकान पर हत्या कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजा। छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के कारी गांव में लोगों को एक 18 वर्षीय युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच दोस्त ने दोस्त को पहले शराब पिलाई और फिर उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल चौक की है। छपरा में मसरक प्रखंड में सेमरी में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। शव की खोजबीन जारी है। अररिया सदर अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक की उम्र 40 साल थी और वो 23 जून को बंगलौर से आया था। गया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया का मुख्य सड़क मार्ग जीबी रोड को सील कर दिया गया और सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मधुबनी के शहरी क्षेत्र में 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराबी शख्स अस्पताल परिसर में शराब पीकर बदमाशी कर रहा था। मधेपुरा में मुरलीगंज थाना क्षेत्र के पावर हाउस एनएच 107 पर एक बाइक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे नवविवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई। पटना सिटी के मसला लामी थाना क्षेत्र के पिडरमरिया घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 3 युवक डूब गए। पिडरमरिया घाट के 2 शव और जेठुल घाट से एक शव को बरामद कर लिया गया। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र में एक विधवा दिव्यांग महिला टीचर ने पुनपुन नदी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेकपोस्ट के पास एनएच 28 से वाहन जांच के दौरान टोयोटा और एक ऑल्टो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सहरसा में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। लखीसराय में कांग्रेस नेता अमरेश कुमार अनिस ने शहर के पंचना रोड से पतनीर मोड़मा तिलोखर होते हुए शेखपुरा जिले को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क पर धान रोपने की ओर सरकार का विरोध किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर लखीसराय में कई जगहों पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु देखे गए। आज आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस है, इस मौके पर आरजेडी ऑफिस में समारोह का आयोजन किया गया। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साइकिल यात्रा की। स्थापना दिवस के मौके पर तेजस्वी जमकर गर्जे, महंगाई के बहाने बीजेपी को कोसा। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर जेडीयू समर्थकों ने पोस्टर जारी किया, इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की 24 संपत्ति का दावा किया गया है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर जेडीयू समर्थकों के पोस्टर पर सियासी घमासान मचा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पोस्टर लगाते रह जाएंगे और तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जेडीयू ने विकास के ही नहीं बल्कि अपने संस्कारों को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के निखिल आनंद ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी एक परिवार के पॉकेट की पार्टी है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर विरोध में लगाए गए पोस्टर को मंत्री नीरज कुमार ने सही बताया। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने डिजिटल रैली की, मुकेश सहनी ने चुनाव में मजबूती से जाने का ऐलान किया। लखीसराय में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के साथ निजीकरण का विरोध किया। पूर्णिया में भी आरजेडी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर गया में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। नालंदा में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकाली। बेगूसराय में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत के विरोध में साइकिल रैली निकाली। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर आरा में भी पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकाला। मधुबनी में मक्का किसानों की बदहाली और एमएसपी पर मक्का खरीद की मांग को लेकर कोशी नवनिर्माण मंच की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब किया। पिछले सरकार के मंत्रियों ने सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं, इसको लेकर भवन निर्माण विभाग पुलिस के सहयोग से जबरन बंगले खाली कराने की तैयारी कर रही है। सिमडेगा में रेंगारही थाना क्षेत्र के पाइप पारा में बाइक एक्सीडेंट में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चतरा में हंटरगंज थाना क्षेत्र झारखंड बिहार बॉर्डर के कुसुमा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को टक्कर मार दी। रामगढ़ के NH23 पर चितरपुर के मुरगुंदा में भीषण सड़क हादसा हो गया, इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वा जिले के दुर्गी थाना क्षेत्र में पारसपनी कला गांव में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। पलामू जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग ने साझा कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। बारिश की वजह से टमाटर की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, टमाटर अब 60 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत पर कृषि मंत्री ने कहा कि बाजार समिति को सभी जगह निर्देश दिए गए हैं। रांची विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के बीच बीमा सुरक्षा को लेकर करार हुआ है।
राज्य के 5 थानों में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। अरगोडा, बुड़िया, धुरवा, हिंडीपीढ़ी और चुटिया थाने में कुछ समय के लिए आम लोगों का प्रवेश रोका गया है। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर अनुमंचल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। रामगढ़ में सरकार की तरफ से 30,000 श्रमिकों को शर्ट, पैंट और साड़ी दी जाएगी। सरकार की इस पहल से मजदूरों में खुशी का माहौल है। बोकारो में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चास नगर निगम क्षेत्रों में गरगा पुल से लेकर श्रीराम चौक तक श्रमदान के तहत सफाई अभियान कार्यक्रम चलाया गया। रामगढ़ में पेट्रोलियम के पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लातेहार में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और मास्क की गाड़ी चलाने वालों का चालान काटा गया। बोकारो में आरजेडी की 24वें स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में साइकिल मार्च निकाला गया। चतरा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मनाया और वृक्षारोपण किया। रांची में झारखंड बीजेपी के कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों का कोई भी पालन करता नहीं दिखा, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। धनबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक से मिलने जलान अस्पताल पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और उनसे उनका हालचाल जाना। बोकारो में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आदिवासी के सबसे बड़े धर्मस्थली लुपगुरु में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भक्त छड़छड़िया झरना झाम में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, लेकिन बादल तो छाए हैं पर बारिश नहीं हो रही है। साहिबगंज में बाढ़ की संभावना बढ़ गई, हालांकि प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। लातेहार के मनिका प्रखंड के जगहों में मनरेगा योजना के तहत फलदार पेड़ लगाकर स्थानीय लोगों की आमदनी दोगुनी की जा रही है। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में 22 बटालियन सीआरपीएफ के जवान इन दिनों 30 बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। गरीब परिवारों के 30 बच्चों को इन दिनों सीआरपीएफ के जवान बगैर किसी गुरु दक्षिणा के शिक्षित करने में जुट गए हैं। कोरोना को देखते हुए देवघर में श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया। इस बार श्रावण मास पूर्णिमा और सोमवार को ही संपन्न हो रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 11,864, 8,765 लोग हो चुके हैं ठीक। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,754 तक पहुंची। 2,040 लोग हुए ठीक, 695 एक्टिव केस, 19 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। मरीजों की संख्या 6,73,000 के पार। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। कोरोना अस्पताल का दौरा करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री दिल्ली के लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 7,000 मामले मिले। राज्य में 1,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े, प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,756 तक पहुंचा। 224 नए संक्रमित मरीज आए सामने। मुंबई में जल्द ही जिम खुल सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। आईसीएमआर ने कहा कि देश में लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। संस्था ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि कोरोना के वैक्सीन को नियम के मुताबिक ही लॉन्च किया जाएगा, इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कोलकाता से 6 बड़े शहरों के बीच विमान सेवा को रद्द कर दिया गया। कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद के बीच सोमवार से लेकर 19 जुलाई तक उड़ानें रद्द रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार रोजाना 500 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, हालांकि अभी तक यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है।
कोरोना संकट के बीच पर्यटकों के लिए हिमाचल के द्वार खुल गए। पर्यटकों को यहां आने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। दक्षिण कश्मीर के ज्वाला जी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस के चलते इस बार यहां सिर्फ पुजारी ही मौजूद रहे। योगी सरकार ने एक बार फिर से यूपी में एंटी कुमाफिया अभियान शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन की टीम ने गाजीपुर जिले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अनाज गोदाम को गिरा दिया। इस बार अयोध्या में लगने वाले श्रावणी मेले में अयोध्या से बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों के साथ तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया था, तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पार्षद चंपा दास को बदमाशों ने मारी गोली। चंपा दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर कांड के बाद यूपी में कुख्यातों के खिलाफ प्रशासन सख्त। ग्रेटर नोएडा में असुंदर घाटी का अवैध निर्माण ध्वस्त। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। एक पर घोषित था 5 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद भक्तों ने की पूजा अर्चना। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज से लेकर 7 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। कल ठाणे में 100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के धुले में बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पवन पुल को खोला गया। रामेश्वरम में समंदर के ऊपर बने पवन पुल को जहाजों के गुजरने के लिए खोला जाता है। कानपुर में पुलिस हमले पर तैनात करने वाला खुलासा। हिस्ट्रीसीटर विकास दुबे ने बताया कि निलंबित इंस्पेक्टर विनय तिवारी की घटना से एक दिन पहले ही पिटाई की। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। कोरबा इलाके में खेतों में काम कर रहे 6 लोग आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। उत्तरी बंगाल में एक मादा तेंदुआ के गर्दन से रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस मादा तेंदुआ को तुरतुरी चाय बागान में पकड़ा गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के नाम से फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। बायो में ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट केके सिंह लिखा गया है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज। चीन में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। तेज बरसात की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हांगकांग में नया राष्ट्रीय कानून लागू करने के बाद चीन ने दमन बढ़ा दिया है। अर्जेंटीना में कोरोना से ठीक हुए लोग अपना प्लाज्मा दान दूसरे लोगों को कर रहे हैं और उसकी जान बचा रहे हैं।